सुबह आई थिंक 10 बजे तक आया था यहाँ पे, तो फर्स्ट टॉक आई थिंक चालू हो गया था, फर्स्ट टॉक चालू ही था तब मैं आया। तो उस टाइम दो चार पॉइंट जो लगे नवनीकरण के बारे में जो हमने सीखा, तो मनुष्य के जीवन में नवनीकरण का ये जो पॉइंट था बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम जिस तरह जी रहे हैं वो हमारे परिस्थिति के लिए ठीक है, बट ईश्वर के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो ईश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में नवनीकरण होने के लिए, हमें ईश्वर के प्रति आदर और भय दोनों को भी रखना चाहिए। यहाँ पे बिशप जी आए थे, आपको पता है कितने जन मिलकर बिशप जी से बातचीत किए, या उनको कम से कम एक जेशु तक कहा है? हाउ मेनी पीपल्स आर देयर? हाउ मेनी देम? देखो, फ्यू ऑफ यू हैव मेट, बहुत कम लोग हैं। बिशप जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास कलीसिया के मोस्ट अधिकार, हम इसलिए बोलते हैं कि वो अधिकार जो हमारे पास नहीं, जो हम मनुष्यों के पास नहीं है, उससे कितने तो भी भागी अधिकार ईश्वर ने या कलीसिया ने उनको दिए हैं। और ईश्वर कहता है कि जब तक हम ईश्वर के प्रति भय या आदर नहीं रखते हैं, तब तक हमें ईश्वर के बारे में कुछ जान नहीं सकते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में ईश्वर के लिए भय है, आदर है, एक दूसरे के प्रति आदर और भय है, तो हम एक दूसरे के प्रति प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं। कि बिशप जी हम सबसे प्यार नहीं करते क्या? करते हैं ना। फिर हमारा कर्तव्य बनता था उनको जाके यीशु बोलने का, हम लोगों ने नहीं किया, ये बात नहीं है, बट हमारे जीवन में जो आदर था वो बहुत कम हो चुका है, बहुत कम। जो भय है, जो इस वेदी के बारे में भय था, हमारे माता पिता ने हमको सिखाया ये पवित्र वेदी है, यहाँ पे ईश्वर का उपस्थिति होती है, ईश्वर यहाँ उपस्थित होते हैं, ये आज हमको पता है, बट आने वाली जनरेशन को ये बात पता नहीं होगी, क्योंकि माता पिता के दिल में जो भय था ईश्वर के प्रति वो नहीं गया, जो आदर और सम्मान था वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि माता पिता चर्च जाना बंद कर दिए होंगे, या जाते भी होंगे तो महीने में एक बार जाते होंगे, या उनको लगता नहीं है कि अभी ईश्वर वहाँ उपस्थित होते हैं, पहले होते थे अभी नहीं होते होंगे। मीसा में उपस्थित गए थे समय वो जो आदर है वो नहीं उनके दिल में होगा। जो हमारे दिल में जो आदर नहीं है वो हम बच्चों के दिल में नहीं ला सकते। अगर वो आदर और भय हमारे दिल में ईसा मसीह के बारे में है, ईश्वर के बारे में है, वो वेदी का जो अर्थ है जो हमें पता है, हम जब तक बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक कलीसिया आगे बढ़ेगी नहीं, धर्म प्रांत आगे बढ़ेगा नहीं। ये जो आज हमारे धर्म प्रांत में रूखा सूखा दिख रहा है, आप सबको दिख रहा होगा, मानते हैं सब जन? सही बात है ना? ये जो रूखा सूखा धर्म प्रांत दिख रहा है आज हमारा, किस वजह से? ईश्वर के प्रति हमारे दिल में आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, भय नहीं है। फादर जी आते कुछ बोल के जाते हैं, बिशप जी आते मिसा चढ़ा के चले गए, हो गया, वो टाइम निकल गया, अब क्या दूसरा एंजॉय करो, क्लास होने के बाद हो गया। अगर इसको हमें रखना है अपने जीवन में, तो जो ईश्वर का जो भय, ईश्वर का वचन क्या कहता है? जिस तरह मूसा प्रार्थना करने के पहाड़ पे गए, और जो इस्राएल लोग नीचे थे उस वक्त, उनके दिल में क्या भावना थी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये क्या चल रहा है, हमको नहीं पता, ये वो लोग भुनभुनाने लगे, हमको वहाँ से यहाँ पे लेके आया, ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, हमको खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। पर ईश्वर ने जो किया उनके लिए, उनके प्रति उनका आदर नहीं था। मूसा, ईश्वर ने मूसा से कहा, देखते गए लोग भुनभुना गए हैं मेरे विरुद्ध। आज हमारे जीवन में भी वही चल रहा है, आज जो दरिद्री है, जो रोग पीड़ा है, जो आ गई है, वो उसी वजह से आ गई है, कहीं दूर से नहीं आ रहा है, दूसरे धर्म प्रांत से, दूसरी जगह से यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। हमारी जो रोग पीड़ा, जो तकलीफ है, जो हमें यहाँ पे लेके आ गई है, वो हमारे गुण के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, और ईश्वर के प्रति जो भय, जो आदर था वो कम होने के कारण आज आया है। आज तुम्हारे दिल में भय और आदर नहीं है, उसी तरह तुम्हारे बच्चों के दिल में भी वो आदर और भय नहीं रहेगा।
आने वाले समय में मैं यहाँ पे जब बैठ के हम लोग प्रार्थना करते थे, कुछ क्षण मैंने बोला वो भैया को, भैया आपके आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इधर ही चलाते जाता रहता हूँ, मुझे कोई प्रार्थना का ये नहीं है। मैं बोला भैया ऐसे कैसे, मनुष्य के जीवन में, हर के जीवन में प्रॉब्लम्स है। मान तो आपके जीवन में नहीं है, भले आपके परिवार में किसी के जीवन में होगा। यह जो वचन आश्रम में है, आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है, फादर को पता है। लोगों के विश्वास को देख के फादर रोते भी होंगे कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो भी लोगों का विश्वास नहीं बढ़ रहा है। सो मेरे प्रिय भाइयों, मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में जो भय है, आदर है, वो तुम कंटिन्यू रखो अपने जीवन में। क्योंकि जो ईश्वर से भय करता है, वो जो ईश्वर से आदर करता है, उसे ईश्वर अनुग्रह देता है, उसके साथ वो रहता है। ईश्वर को ईश्वर दया करता है, ईश्वर देने वाला है, वो सबको देता है। उसके प्रति जो आदर और भय है, उसे हमें रखना है। हमारे जीवन में हमने पैसे कमाए होंगे, बहुत कुछ धन संपत्ति उत्पन्न रखी होगी, पर प्रार्थना के वक्त हमें आदर नहीं है। प्रार्थना का जो वक्त आता है 7:30 बजे या 7 बजे आप बैठते होंगे घर में, उसके प्रति आपको आदर नहीं है, वो टाइम के प्रति आपका आदर नहीं है। कभी टाइम आगे पीछे हो जाता है तो भी आप नहीं सोचते कि नहीं आज मैं लेट बैठी, थोड़ा मुझे करना चाहिए था। सो अपने जीवन में जो आदर भय है, जो टाइम आप भगवान को दे चुके हो, उसे देते ही रहो। जो वक्त आप भगवान को दिया है, उसे देखते ही रहो। जो मिसा में आपने आदर पूर्वक अपने को रखा है, उस आदर पूर्वक रहो वहाँ पे, तब जाके आपको अनुग्रह मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं। कैसे भी आके हम बैठना नहीं है, कैसे भी आके कुछ भी चलना रहा है, तो यही जो मिसा के बारे में जो इम्पोर्टेंस है, जो आदर है, ब्रदर जी हमें सिखा रहे हैं। जो नवीनीकरण होना चाहिए, जो भय आदर आपका भूल चुका है, जो प्रकाश मिट चुका है, उसे फिर से नवीनीकरण होने के लिए भरदक जी हमको सिखा गए। और इन सभी बातों के लिए मैं भरदक जी का धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया में, हमारे धर्म प्रांत में एक हरी भरी कलीसिया दिखे। यह जो हॉल है, जो मैं 7 साल पहले 8 साल पहले देख चुका हूँ, यह हॉल मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ये पूरा भर जाए। और चेयर भी मेरे तो ख्याल से कम गिरे। मैं देख चुका हूँ इस हॉल की परिस्थिति पहले 7 सालों पहले ये पूरा भरा भरा रहता था। आज वो आदर और भय नहीं है। आज तुम्हारे जीवन में तकलीफें आ गई, तुम ईश्वर के पास नहीं आ गए, पर आने वाले भविष्य जीवन में तुम अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों की परेशानियों को लेके ईश्वर के पास आओगे। पर मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हारे जीवन में हो। तो जो आदर और भय तुम्हारे साथ है, उसे तुम बनाए रखो, वो रिस्पेक्ट के साथ अपने बच्चों को सिखाओ, कलीसिया के नियम सिखाओ, कैटेकिज्म को सिखाओ, वचनों को सिखाओ। और एक मेन थर्ड पॉइंट था प्रोक्लेमिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, वचनों की घोषणा करना। मैं हाल ही में एक गोजोली पैरिश है, वहाँ पे एक प्रेसिडेंट आई थी, आमी संस्था की एक प्रेसिडेंट आई थी। उनके साथ जब मैं बातचीत कर रहा था कि मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ उस चीज़ आपकी इसको, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि वचनों को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, बट मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको जाके बाइबल लेके लोगों को बताना नहीं है, प्रोक्लेम नहीं करना है। आपके साथ, आपके परिवार में, आपके दोस्त भाई, आपके आस पड़ोस में ईश्वर के प्रति जो भी आप आदर रखते हो, जो भी बात आप जानते हो, उसे आपके साथ, उनके साथ आपको शेयर करना है। थोड़ी थोड़ी बातें होगी, छोटी छोटी बातें होगी, बट दैट इज़ द वर्क ऑफ गॉड, वो ईश्वर का काम है। जो नहीं जानता उसको बताना, वो दैट इज़ द प्रोक्लेमिंग ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, वो ये घोषणा है। जैसे कि ब्रदर ने कहा था कि घोषणा कुछ भी नहीं, ईसा मसीह ईश्वर है, यही है ईश्वर की सबसे बड़ी घोषणा या उसके सबसे बड़ा वचन। सो आगे इसी आदर और भक्ति के साथ अपने जीवन को जीते आइए। और आने वाले नव पीढ़ी के लिए एक जो बात आपके दिल में है, जो अंदर तक है कि न मेरा ईश्वर मेरे लिए ये है, तो वो आप अपने बच्चों को बताइए कि मेरा ईश्वर मेरा चरवाहा है, मेरा ईश्वर मेरा उद्धार करता है। मेरे बाप मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताया, जब मैं परेशानी में था, मैं अपने पापा से बात की, पापा ऐसा ऐसा है,
तकलीफ हो गई है, तो मेरे पापा ने मुझे एक बात बड़ी अच्छी बताई, तेरा ईश्वर इब्राहिम इसहाक और याकूब का ईश्वर है, तू डर मत। तो वो बात मेरे आज भी दिल में रहती है, जब भी मैं किसी परेशानी में रहता हूँ और कहता हूँ कि मेरा ईश्वर जो इब्राहिम के साथ था, जो इसहाक के साथ था, जो याकूब के साथ था, वो आज मेरे साथ है। यही बोलते हुए मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा जो भय और आदर तुम्हारे बच्चों तक पहुँचे और तुम्हारे कलीसिया तक पहुँचे, जिससे तुम्हारी कलीसिया और ये संपूर्ण धर्म प्रांत हरी भरी हमेशा के लिए गए। जय शुभ।